मरो भाई तुम लोग मरो मरो मरो। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन यूनाइट एंड आज मैं तुम्हें ब्लास्टोइज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो यार लेट बिगिन। और यार मेरी टीम बहुत घटिया आई है, सबके सब बिगिनर्स है, मैं ही हूँ बस वेटरन का। तो देखते हैं कि कैसा जाता है ये मैच। एंड मैं अभी रैंडम मैच ही खेल रहा हूँ इसलिए ऐसी ही टीम आई है मेरे पास। नहीं तो अगर तुम कोई रैंक मैचेस खेल रहे होते तो फिर तुम्हारे आसपास की जो रैंक वाले बंदे होते हैं वही तुम्हें मिलते हैं। ओके एंड लेट्स गो। और जो मैंने आइटम्स यूज़ करी है मैं पहले ही तुम्हें वो बता दूँ। एक तो मैंने मसल बैंड यूज़ करी है, फोकस बैंड इस्तेमाल करा है एंड वाइस क्लासेस इस्तेमाल करा है। और साथ ही साथ तुम एनर्जी एम्पलीफायर या फिर बॉडी बैरियर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो दोनों भी बहुत बढ़िया होता है। जो बॉडी बैरियर होता है वो जैसी तुम्हें कोई क्रिटिकल डैमेज पहुंचेगा वैसी वो तुम्हें एक शील्ड सी दे देगा। ओके एंड यार ये याद रखना कि जो जंगल होता है ना वो किसी स्पीडस्टर को ही करना चाहिए। हमारा वहाँ पे चारमेंडर कर रहा है शायद, नहीं नहीं कर रहा। एनीवेज तो जो ब्लास्टोइस होता है ना उसे तुम हमेशा टॉप लेन पर ले जाया करो। एंड अगर हो सके कि कोई तुम्हारा कोई भी तुम्हारी टीम में कोई सा भी पोकेमॉन जंगल नहीं कर रहा तो फिर तुम कर लिया करो, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये कहाँ से आ गया मोटा? अरे यार ये मोटा हमेशा परेशान करता है मेरे को। मर 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 जा मर जा मर जा। ये भी मरेगा भाई, कितने नूब बंदे थे आके भिड़ रहे हैं भाई हमारे जोन में आके भिड़ रहे हैं। एंड हमारा चारमेंडर भी, अरे वहाँ पे चलो गोल करने गया है। नाइस मैं भी गोल कर देता हूँ। तीन ही गोल करने के लिए इतना रिस्क ले लिया तुम लोगों ने। पता है कोई सा भी वहाँ का पोकेमॉन आ सकता है एंड तुम्हें टेल सकता है क्योंकि यहाँ पे उनका गोल जोन है। देखो यार तुम ऐसा कभी मत करना। और मैं तुम्हें बता दूँ कि 8:50 पे ये वाला क्वीन वाला ग्रुप आता है तो फिर जब भी तुम लेना चाहो तो फिर ले लिया करो क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा लेवल बूस्ट देता है। एंड मैंने एप्सूल को भाई पेल भी लिया क्योंकि उसका लेवल ही इतना कम था और ना ही उसने जंगल कर रखा था। तो यार अगर तुम एप्सूल वगैरह या फिर कोई सा भी स्पीडस्टर पोकेमॉन लो ना तो फिर यार हमेशा जंगल ज़रूर किया करो। एप्सूल एक मेली पोकेमॉन है तो फिर उसे तो जंगल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसे तो बहुत ज़्यादा बफ्स की भी ज़रूरत है। एंड हमें तो बफ मिली है। प्लीज़ यार मेरे को लेने दो, तुम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे। प्लीज़ लेने दो ऊपर का, मारो मत मारो मत। मैं आया लेने दो। आओ ये नहीं ले पाया छोड़ो। ओके नीचे कोई भी नहीं है यार, चलो भाई नीचे चलते हैं। फिर कोई नीचे ही नहीं है, पता है नीचे आके ना वो लोग एकदम इतना प्रेशर राइज कर सकते हैं कि भाई हमारे सारे गोल जोन तोड़ते जाए। एंड हाँ जो मैं आज ये मूव यूज़ करने जा रहा हूँ वो है रैपिड स्पिन एंड हाइड्रो बम, तुम्हें ऑलरेडी दिख भी रहा होगा। तो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि जो ये हाइड्रो पंप है ना, एक सेकंड यहाँ पे माचोक से बचना पड़ेगा भाई। माचोक बहुत ओपी है मैं बता रहा हूँ, माचोक इज रियली द ओपीएस्ट पोकेमॉन भाई। एक्चुअली ना मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, दूर हटो। देखो भाई रैपिड स्पिन करते वक्त अगर तुम हाइड्रो पंप मारोगे ना तो फिर जो पोकेमॉन है ना जो तुम्हारे पीछे यू पड़े रहेंगे वो एकदम दूर जा सकते हैं भाई, क्योंकि भाई बहुत तेज़ प्रेशर देता है ये हाइड्रो पंप। एंड मेरे को घेर लिया था यार, इस एप्सूल के पास बफ भी था तो बचना तो नामुमकिन सा ही था। एंड ये देखो भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, इस इनके इलाके में ऐसे घुस घुस के मार रहे हैं भाई। पहले वाला गोल जोन तो तोड़ दो, ऐसा कभी मत करना। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना तो यार प्लीज़ मत किया करो क्योंकि यार ऐसे टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो माइंड में ज़रूर रखना कि पहले वाले गोल जोन को जब तक तोड़ो ना तुम उनके एरिया में ऐसे अंदर मत घुस के चले जाना क्योंकि वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार सकते हैं फिर अंदर, क्योंकि तुम्हारी स्पीड भी स्लो हो जाती है। एंड भाई तू हमारा ये हमारा पोकेमॉन है भाई, कैसे चुरा रहा है? हाँ ये देखो भाई रैपिड स्पिन ने क्या कमाल दिखाया, उसे भाई स्लो भी कर दिया था। ये देखो भाई हमारे इलाके में आके हमसी पंगा, हम उनके इलाके में जाते हैं जल्दी से गोल करके आते हैं 30 का। एंड हेयर गो, फिर ड्रेडनो को लेते हैं। हमेशा याद रखना ड्रेडनो को लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी पूरी टीम को एक्सपी मिलता है जिससे जो पूरी टीम है वो जल्दी जल्दी अपना यूनिट मूव खोल सकती है। एंड इसे मैंने अवॉइड कर दिया इसके अर्थक्वेक को, एंड वो मेरे पे ध्यान ही ना दे तो अच्छी बात है। ड्रेडनो को लेते हैं, जितने मर्जी वो गोल कर दे वापस चाहे। एंड जब भी तुम रोटोम को या फिर जैबडोस को या फिर ड्रेडनो को मारो ना तो यार ऐसे गोल गोल घूम के मारना, इट रियली हेल्प्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत मदद करता है ये। एक तो उनके अटैक्स भी तुम्हें नहीं लगेगे और तुम जल्दी जल्दी मार भी दोगे। जल्दी से गोल करते हैं 30 का भी,
एंड ये करने नहीं देंगे, मरो भाई मरो मरो। एंड ये देखो भाई, सब ने यूनिट मूव यूज करा था फिर भी हमने माचोप को फेल दिया। एंड ये देखो भाई, ऐप सोल भी गया। देखा ब्लास्टोइस कितना बढ़िया है। एंड अभी इसका एक नफ आया जिसके कारण जो ब्लास्टोइस है थोड़ा सा कमजोर सा बन गया है। लेने दे बेरी लेने दे। ओ शिट, ले ली थी यार बेरी, बट पहले ही मार दिया, बस बेरी तक पहुंच ही गए थे। बट नो वरीज, हम शायद से जीत ही रहे। ये देखो भाई इस मोरलैक उनके एरिया में घुस के ऐसे मारेगा। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि अगर तुम ऐसे किसी की एरिया में ऐसे चले जाते हो ना फिर। एंड भाई तुमने उसका पहले वाला गोल जोन भी नहीं तोड़ा। ये देखो भाई पिकाचू कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है वो अंदर। भाई मरो भाई, तुम लोग मरो पहले, आ जाओ। ओ भाई फेल दिया भाई, माचोक में फेल दिया। ले लो भाई बेरी ले लो, चलो आ जा भाई, आ जा माचोक आ जा। एंड हेयर वी गो, नाइस। ओके डालने दे। आ गया, जा तू जा निकल जा। आई थिंक ये गोल कर देंगे, कर दो भाई। किस चीज का इंतजार कर रहा था चारी बात की। अब चलते हैं अंदर की तरफ। एंड अभी 2 मिनट होने ही वाले हैं। ये देखो भाई मेरी टीम मेंबर्स ने कुछ भी नहीं करा, ऊपर वाला गोल जोन अभी तक नहीं टूटा। हालांकि वो भी अभी लोग बिगनर्स है मेरी टीम के, तो यार हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी ऐसा ही था स्टार्टिंग में। हर कोई ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई गेम हमें इतनी भाई जल्दी से आती नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं जब भी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैं रैंडम मैचेस में, अक्सर मैं रैंडम मैचेस ही खेलता हूँ। एंड ये वाले नीचे वाले यार ग्रुप को जरूर लिया करूँ जैसा कि मैंने तुम्हें बोला। एंड भाई इसने कर दिया यूनिट मूव इस्तेमाल अपना, एंड इसलिए भागना पड़ेगा। कोई ना ये मर जाएगा, आराम से मर जाएगा। वीनस और यार ऐसे हम तीन थे ना, चारिज़ार्ड वीनस और ओ, ये तो एकदम स्टार्टर पोकेमोन के एवोल्यूशन थे हम तीनों। यहाँ पे माचोक को यूनिट मूव से मारना ही पड़ेगा, एक्चुअली मारना पड़ेगा क्योंकि माचोक अपना यूनिट मूव यूज़ करता है ना बहुत आराम से, सबको पेल सकता है वो, लिटरली सबको पेल सकता है वो। 1v5 कर सकता है क्योंकि अगर तुम माचम को लो एंड वो भाई उसने अपना यूनिट मूव यूज़ कर दिया एंड तुम उसकी लेन में आ गए तो फिर वो तुम सभी को आराम से फेल देगा, आराम से। एंड अपना ये रोकते हैं, आई थिंक ये डिस्ट्रॉय तो वैसे ही कर देंगे, या डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं मैं इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि फिर मेरा वेस्ट चले जाता यार एओस एनर्जी, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता ना। एंड एयर वी गो, ये वाला भी तोड़ते हैं, हमारा भी टूट रहा है, हमारे भी बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। नो वरीज, इधर जाते हैं जल्दी से भाई। वीनस और तू मेरे पीछे क्यों मंडरा रहा है भाई, हम दोनों एक ही चीज़ को तो फार्म करते नहीं रहेगी यार बार बार। तू कहीं और जाना यार, कहीं और जा यार। ये देखो भाई मेरे पीछे यार, ऐसे मत घूम यार। ये देखो भाई इस पूरे ग्रुप को क्या पड़ रहा है एकदम से जल्दी जल्दी से। ये देखो अगर कोई ऐसे ग्रुप में घूमता है ना यार पीछे पीछे तो फिर ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है कि दूसरे बंदे को कुछ फार्म नहीं करने देते, एक ही बंदा फार्म करते रहता है एंड फिर वो आगे जाके मर जाता है एंड सारी है उस एनर्जी यू ही पानी में वेस्ट हो जाती है। अब आगे यहाँ पे जैप दो जल्दी से, इसे ले ले तू वीनस और हम चलते हैं बीच में। आ जाओ भाई बीच में आ जाओ यार सब, प्लीज बीच में आ जाओ। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी आ चुका है, नज़र रखते हैं हम लास्ट में जाके स्टील कर देंगे क्योंकि वहाँ पे 3 है, हम ढेर हो जाएंगे अगर हम वहाँ पे गए ना। ओके बस अभी रुको, चलो 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 रैपिड स्पिन रोको। एंड ये हमारा यूनिट मूव, आओ ये स्टील कर दिया। ये होता है सबसे बढ़िया तरीका अगर ओपोनेंट टीम तुम्हारी बरसी हुई है भाई, ब्लास्टोइस पे बरसी, जैपडोस पे बरसी हुई है तो फिर बस बीच में जाके ना स्टील कर दो, बहुत बढ़िया होता है। अगर तुम्हारे पास गेंगार है ना या फिर कोई सा भी पोकेमोन है ठीक है, तो फिर बस तुम्हें इतना करना होता है कि यार इसे छोड़ो यार, लेट्स गो जल्दी 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 रैपिड स्पिन रोको, डाल दे आओ ये लेट्स गो। भाई मैं जा रहा हूँ बाय, नहीं मेरे को तेरा यूनिट मूव नहीं देखना बाय। यूनिट मूव मार देती ना वो मैं लिटरली चले जाता। थोड़ी बहुत एयर एनर्जी कलेक्ट करते हैं या फिर है थोड़ी सी, इसे मारते हैं जल्दी से। एंड हियर वी गो,
ये देखो मैंने पूरा 15 लेवल का अपना ब्लास्टोइस पहले करा, जिससे यार बहुत हेल्प मिलती है लिटरली। अगर तुम पूरे लेवल का अपना ब्लास्टोइस कर दो या फिर कोई सा भी पोकेमॉन, मैं हर पोकेमॉन के बारे में बता रहा हूँ, ये कॉमन टिप है कि अगर तुम कोई सा भी पोकेमॉन ऐसे इस्तेमाल करते हो एंड तुम पहले उसे ना फुल लेवल पे, उसकी फुल लेवल पे ले जाने की कोशिश करो, इससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड भाई तुम लोग अब कितना भी गोल डाल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 100 गोल डाल दिया है एंड मेरे को नहीं लगता तुम में से किसी के पास इतने हो गए। चलते हैं भाई, बेस पे चलते हैं। अब थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये देखो भाई कहाँ घूम रहा है भाई तू, वीनस और क्यों आ रहा है मेरे पीछे, मेरे पीछे ही क्यों घूम रहा है तू। मरो भाई, तुम लोग मरो मरो मरो। ये देखो तीनों को पेल दिया भाई, तीनों को पेल दिया, भाग जाओ भाई भाग जाओ, तीनों को पेल दिया मैंने, बस टाइम अप हो गया। देखा तो ऐसे खेलते हैं ब्लास्टोइस से। एंड यार ब्लास्टोइस का ये बिल्ड अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम चैनल पर नए हो। और ब्लास्टोइस का एक और बहुत अमेजिंग बिल्ड होता है, वो मैं तुम सभी को बताऊंगा अगली वीडियो में। तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा देना। और ये पॉकी होफो ने कुछ नहीं करा है, एक सपोर्ट करा है और एक बस एओस एनर्जी डाल दिया, ओ माई गॉड। और हम हमेशा की तरह एमवीपी बने हैं। तो या अच्छा, और मेरे को यार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार तुम्हें अगला कौन से पोकेमॉन पे, अगली कौन सी पोकेमॉन पे वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। सो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।